अगर आप भी शेंगेन का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कौन सी कंट्रीज ओपन हो चुकी हैं, कौन सी कंट्रीज में हम अपना वीजा लगवा सकते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूँ राहुल सैनी और आप हो सैनी ब्लॉग्स के चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है शेंगेन वीजा। शेंगेन वीजा कौन कौन सी कंट्री ने रीओपन कर दिया है। आज मैं आपको अपडेट दूंगा कि शेंगेन की 3 और कंट्रीज ने अपने VFS सेंटर ओपन कर दिए हैं इंडिया में। जैसे ही मैंने लास्ट स्विट्जरलैंड के लिए वीडियो बनाई थी, आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, स्विट्जरलैंड के वीजा ओपन हुए थे। ऐसे ही शेंगेन की 3 और कंट्रीज ने अपने VFS सेंटर ओपन कर दिए हैं इंडिया में। आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं अगर आप शेंगेन का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी 3 कंट्रीज ने VFS सेंटर ओपन कर दिए हैं जहां पे हम अपनी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। शेंगेन की 3 और मेन कंट्रीज ने अपने VFS सेंटर इंडिया में ओपन कर दिए हैं। नंबर 1 पे है आइसलैंड, नंबर 2 पे है जर्मनी और नंबर 3 पे है नॉर्वे। आइसलैंड ने अपना शॉर्ट टर्म वीजा ओपन कर दिया है। इन्होंने इंडिया में 3 स्टेट्स में अपने VFS सेंटर ओपन किए हैं। नंबर 1 पे है मुंबई, 2nd पे है बेंगलुरु एंड 3rd पे है कोलकाता। 3 स्टेट्स में अपने इन्होंने VFS सेंटर ओपन कर दिए हैं। अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो मुंबई में इन्होंने मंडे, ओनली मंडे को 8 AM से लेकर 2 PM तक VFS सेंटर ओपन है। आप 8 AM से 2 PM तक अपनी अपॉइंटमेंट डेट बुक कर सकते हो। अब बात करते हैं बेंगलोर में, इन्होंने मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 3 दिन अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। इन 3 दिन में हम बेंगलुरु में मंडे, फ्राइडे एंड वेडनेसडे को अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसकी टाइमिंग है 9 AM से लेकर 1 PM तक। और कोलकाता में भी हम अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। 2nd नंबर पे बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी ने 2 कैटेगरी के लिए वीजा ओपन कर दिए हैं। नंबर 1 पे सी कैटेगरी, नंबर 2 पे डी कैटेगरी। नंबर 1 पे सी कैटेगरी। सी कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं, मास्टर कोर्स के लिए अपना जर्मनी जाना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज के लिए जिन्होंने मास्टर्स में अपनी एडमिशन करवानी है, उनके लिए VFS सेंटर ओपन है इंडिया में। और 2nd नंबर पे बात करते हैं डी कैटेगरी। डी कैटेगरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने ट्रांजिट वीजा चाहिए या सी फेरर्स हैं। इन 2 कैटेगरी के लिए VFS सेंटर ओपन है जर्मनी के लिए। और नंबर 3 पे बात करते हैं नॉर्वे। नॉर्वे ने भी अपने VFS सेंटर इंडिया में ओपन कर दिए हैं। तो ये हम बहुत बड़ी इंटीमेशन लगा सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप शेंगेन अपनी कंट्रीज ओपन करता जा रहा है इंडिया के लिए। तो ये आने वाले टाइम के लिए गुड न्यूज है। आने वाले टाइम में हम ज्यादातर हम सारी कंट्रीज ओपन देखेंगे। विद इन 1 month or 2 month में सारी कंट्रीज ओपन हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी इंटीमेशन है, हमारे लिए खुशखबरी है। जो भी प्रोफाइल हमने आज तक रेडी की हुई है, कौन सी कंट्री के लिए रेडी की हुई है, आने वाले टाइम में हम अपनी फाइल प्रोसेस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलना, ताकि मैं आने वाले टाइम में आपको लेटेस्ट अपडेट्स लेके आ सकूं वीजा से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।